सुबह की राम राम दोस्तों, जय श्री राम। और देखिए सुबह हो गई, मैं ये अपने काम में लग गया, काम की छटाई कर रहा हूँ भगवान की पलंगी का। अब यहाँ से हो गई है, नहा धो लिया हूँ। नहा धो लेने के बाद थोड़ा सा चाय नाश्ता हो जाए। ओह, ये आ गया मेरा, देखिए नाश्ता, ये आ गई चाय, थोड़ा सा काम को ऐसे कर लें, ये आ गई मस्त मस्त नमकीन। देखिए सुबह की चाय नमकीन का मजा ही कुछ और है नाश्ते का। चाय तो देखिए पी लिया, नाश्ता भी कर लिया नमकीन दाने के साथ। अब ये काम की छटाई करके मैं निकलूंगा बनारस के साइड, वहाँ थोड़ा अपना काम दिए हैं, पॉलिश वालिश होने के लिए चैन। कल संडे था तो संडे की वजह से ले भी नहीं आए, मार्केट बंद भी था। आज जाएंगे तो ले आएंगे चैन अपना। बस ये काम थोड़ा सा और रह गया है, छाट लूँ, कटिंग छाटने उठने के बाद फिर अब जाता हूँ, और वहाँ से अपना चैन भी ले आता हूँ। फिर काशी का भी सीन आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी ओवर ब्रिज से राजघाट पुल पर से, उसका पुराना नाम पंडित मदन मोहन मालवीय है, और इसे तो हम लोग राजघाट करके बुलाते हैं। फिर वहाँ से गंगा जी का आपको दर्शन करवा देंगे ऊपर ही ऊपर से, फिर मिलते हैं और फिर आगे आके और दिखाते हैं अपनी दिनचर्या, मिलते रहते हैं आपसे। ये देखिए नमो घाट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी संसदीय क्षेत्र में बनवाया था। ये दोनों जो हाथ है ये पुराना बना हुआ था, और देखिए नए में ये जो बड़ा वाला हाथ है ये नए में बना हुआ है, ये वाला हाथ नए में बना हुआ है। अब क्या है कि गंगा जी बाढ़ से अपने अब रौद्र रूप में धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए ये पानी चल रहा है बाढ़ का, क्या हिचकोले खाते हुए। और ये है पंडित मदन मोहन मालवीय पुल, और इसका राजघाट नाम से ज्यादा फेमस है ये पुल। काफी तेज हवा चल रही है भैया, जरूरत से ज्यादा बहुत तेज हवा चल रही है। देखिए बाहर कितनी तेज उड़ रहे हैं, हवा भी बहुत तेज चल रही है। अब निकलते हैं घर के लिए, चैन भी अपना ले लिए हैं। इसी चैन को लेने के लिए गए, ये चैन लाए थे और ये अपना फेविकोल लेके आए थे। अब फिर चलते हैं, काम धाम में लपड़े जाते हैं। इसी के लिए हाथ मेरा रुका हुआ था कुछ, भाई मटेरियल नहीं रहेगा तो काम कहाँ से करेंगे। ये हमारी माता राम खाना खा रहे, क्या खा थू माता जी? दाल चावल सब्जी अचार खा थू। ये है माता जी अपना पहुरी मार रही हैं। ये उनका दाल चावल, इधर अचार है सब्जी है, और ये बिना दाद की हमारी बुढ़ी माता खाना खा रही है। पतो तो ठीक खाना बनौले हैं अरे हाँ? कहते अरे बोला जोर से, भर हाँ, जितना सत्या रहे बोला। भर के थरिया खा, 80 से 3 आ जा 50 साल में ना। की भी भोजन पानी हमारी कर रही है ये, हम भी अब भोजन पानी करें अपना। माता जी अपनी खाना खा चुकी थी भैया, अब हमें भी भूख लग गई, अब हम भी खा लें। अब खाते हैं दाल भात आलू बोड़ा की सब्जी। मस्त तो खाना रहता है, दाल चावल मिल जाए तो क्या पूछना, ऊपर से ये दाल फ्राई और थोड़ा मसाले में लिपटी हुई सब्जी, आलू बोड़ा की बरबटी भी बोलते हैं बोड़े को। और खाना वाना खा कर थोड़ी सा लेटूंगा, लेटने के बाद पार्सल लगाने के लिए फिर जाऊंगा। देखिए भैया पार्सल ले जा रहा हूँ लगाने के लिए, रस्सी बांध लूँ।
गाड़ी में कि पार्सल इधर कहीं भागे ना, पार्सल भाग जाएगा तो गिर जाएगा रास्ते में, तो हमें दिक्कत हो जाएगी ना। ये अपनी रस्सी फंस गई, पार्सल अपना मजबूती से बंधा गया। पार्सल बंधा जाने के बाद अब हेलमेट लिया, गाड़ी चलाते समय लगाना अनिवार्य है, सुरक्षा भी रहती है और सब सही रहता है, पार्सल सही है। अब चलते हैं बनारस की पार्सल लगाने के लिए, बैठता नहीं बन रहा, बैठ तो गए, गाड़ी स्टार्ट करें। गाड़ी स्टार्ट हो गई, अपने गाड़ी का भैया तेला खत्म हो गया और घर से निकले तो दिल ने कहा तेल डलवा लो, मन ने कहा कल 120 रुपया का डलवाया तो क्या करोगे, अब दिल की नहीं सुने मन की सुने, अब आधा किलोमीटर धक्का लगाना पड़ेगा तब पेट्रोल पंप है, तब पेट्रोल डलवा के फिर घर के लिए निकलेंगे। और ये यहाँ का लोकेशन है और अपनी भी गाड़ी यही को खड़ी है, ये है यहाँ का लोकेशन और ये है अपनी गाड़ी खड़ी। अब गाड़ी का भी क्या दोष है, दिल ने कहा डलवाओ और मन ने कहा मत डलवाओ, अब मन की सुने, अब उमस और धूप में आधा किलोमीटर अब गाड़ी को ढकेलते हुए ले जाएं, तब पेट्रोल डलवाएंगे। अपने ब्लॉक को अब यहीं पे देते हैं विराम, मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉक में, तब तक के लिए आप लोगों को जय श्री राम।